इस वैलेंटाइन पे आईफोन ला के मुझे तबाए, ये लो आईफोन तुम्हारा। आईफोन ला के मुझे तमाए, रील बना लो मेरी जान, ऐसा ऐसा पति नहीं पति मिलता इस दे। दवा ने, इस दवा ने ऐसा पति तो ही नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलता बड़े बड़े यूट्यूबर की लॉगिंग होती है तो हमारी नहीं होगी क्या? होजी होजी हाँ फिर, अपना भी टाइम आएगा। हाँ फिर। हेलो गाइस, वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ सोना अन्नू। तो आज है 14 फेब, सिंगल के लिए मंडे है सही है। ना, और मैरिड के लिए वैलेंटाइन है, इंगेजमेंट वाले के लिए और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कपल्स लिए, कपल्स कपल्स, हाँ फोर्स कपल्स, सब सबके लिए आज वैलेंटाइन डे, लेकिन सिर्फ सिंगल के लिए है ना। लेकिन सिंगल भी मना सकते हैं वैलेंटाइन फैमिली के मना सकते साथ। फैमिली के साथ, उसमें रहे हाँ, जिसको मनाना है वो मना सकते वैलेंटाइन हो। डे। सीधी सीधी भाषा में बोले ना, जिससे अपन प्यार करते उनके लिए दिन, सही। ये हमारा तरीका है, ये है मेंटोस तरीका। कुछ कुछ मेरा टाइप का क्या होता है पता है, रोज डे आता है ना, जैसे रोज डे, हग डे, किस डे, प्रोमिस बताओ डे। कुछ पतियों का पता है क्या हाल है, टिफिन दे, खाना दे, सोने दे और जीने दे। यही जीने तो हो रहा दे। सबकी लाइफ में नहीं होता ऐसा। है। हाँ तो ऐसा पति मिलता है, वैसा टपल मिलता हाँ, है, अपने अपने ऊपर डिपेंड्स। डिपेंड करता है। हाँ डिपेंड्स, आप किसी भी चीज में जितना इन्वेस्ट करते हो ना, उतना ही रिटर्न मिलता है। सीधी हमारे सामने ही बात डबल होता है इन्वेस्टमेंट किया हुआ। है। ये हाँ भी इन्वेस्ट दे तो मेरा डबल हो चुका है। डबल ये तो शादी के बाद हल होना ही है, आप जितना भी ट्राई करो, कुछ भी करो, ये शादी के बाद ये डबल हो ही जाता है। ये डबल नहीं हो तो फिर शादी खाएगी, शादी का मतलब क्या पता ही नहीं चलता पता ही नहीं है, चलता बंदा खुश है कि नहीं बीवी ने प्यार किया है नहीं किया है, यहां है। से ही तो पता चलता है। इंडिया में रहते भाई, है ना। हाँ, तो ठीक है, आज 14 फेब है तो आपके सर ने हमारे लिए सरप्राइज प्लान किया। सरप्राइज हाँ, नहीं छोटा सा। कुछ भी है तो सही ना, ये भी बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ मेरे लिए, ठीक है चलो, इसमें ही बीवी इतना छोटी भी तो होती, किया। सस्ते में बीवी बच गई और क्या चाहिए। क्या सरप्राइज है दिखाओ हमारी यूट्यूब फैमिली हेलो को। हेलो जी, हमारा छोटू सा सरप्राइज, एक छोटा सा तिल, है ना। चलो काट ही लो हाथ, हाथ पकड़ो, ओके, कैमरा भी आप ही पकड़ो। अच्छा हाँ ऐसे ये हाथ से पकड़ो ना कैमरा। तो ये ऐसे काटूंगी, हाँ ऐसे लेफ्ट। क्या फर्क पड़ता, अरे काटने से मतलब है हैप्पी वैलेंटाइन डे जी। लाल यूट्यूब लाल फैमिली, आपको भी हैप्पी आपके साथ भी, वैलेंटाइन डे, आपके साथ भी हमारा बहुत बहुत सारा प्यार है, प्यार है। इसलिए हम ये स्पेशल डे आपके साथ मना रहे हैं, है हाँ, ना। अरे टूट अरे टूट गया है ना, निकालो अभी। हाँ अभी निकालो। बहुत मजा आई उसमें। चलो मैं थोड़ी खा लेता हूँ। नहीं, मैं खिलाती हूँ ना, टेंशन क्यों लेते आप भी डालो थोड़ा सा, फसल तो मत है। खिलाओ ना हमारे यूट्यूब फैमिली को। समझ लो, आ तड़प आ। और कुछ बोलना है यूट्यूब और तुम बोलना है, बोलो क्या बोलना है, फैमिली है, क्या बताओ 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 बताऊँ बताओ, सब सब बड़ा सुन लो क्या तुम। बढ़ा देना। ये देखो केक खाना चालू किया, तो और क्या करना है, हम सिर्फ एक बाइट खिलाए अगला बस बस बाइट इतना ही अभी प्यार है खिलाते हैं। हमारा, इतना ही प्यार है। इतना ही प्यार शादी के 6 साल हो गए, तो इतना ही प्यार रह गया। अभी छह तो साल हो सात गए, सात 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 जन्मों तक निभाना है, ओ पता रहेगा क्या होता रहेगा, वजन छह साल हो गए नहीं ना, निभाना नहीं निभाना तो पड़ेगा ना। एक बार में इतना ये ठूक ठाक के मैंने इतना अच्छा पेस तैयार किया है, किसी और को क्यों दूं मैं, मन दो ना,
बाद में क्यों मेहनत करनी। अरे यार हमें यही मिलने वाला है, हाँ पॉप पीक के इतना मस्त बना है तो बाद में यही नमूना मिलने वाला है। हाँ टेंशन नहीं लो, पर अभी है ना 6 साल हो गए ना, हो गए 6 साल, बहुत प्यार हो गया। नहीं नहीं क्यों बहुत हो गया, जब तक बच्चे नहीं आते तब तक तो नहीं हुआ। बच्चे आ गए उसके बाद देखेंगे फिर आप लोग वेल जाने दो, जीने दो, टिफिन दो, चैन से जीने दो। चलो टेट खत्म करते, मिलता है यार थोड़ा फ्री तो छोड़ो, हम तो भी थोड़ा पसंद है। तो गाइस तो जैसे कि सब तो पता ही आज वैलेंटाइन डे है, ठीक है। तो वैलेंटाइन डे एक स्पेशल लव वंस के लिए मनाया जाता है, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए कुछ तैयार है अपने मन में, ठीक है। तो इसलिए वैलेंटाइन मनाया जाता है। तो मेरे लिए अब तो मेरी फैमिली फर्स्ट है, ठीक है। हम लाइफ में कुछ भी कर ले, जो भी काम करें अपनी फैमिली के लिए करते हैं। तो फैमिली में कभी भी जीवन साथी का रोल सबसे मेन होता है, और वो जीवन साथी मुझे सोनल के रूप में मिली। सच बताओ ना, जब शुरुआत में मिली तो मैंने सोचा नहीं था इसका बिहेवियर इस तरह चेंज हो जाएगा और मैच्योर होती जाएगी। क्योंकि जब ये शुरुआत में 8 से 5 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी तो बहुत ही जिद्दी एक मतलब उस तो ये हो जाता था, जिद हो जाता था, पर अभी उस पर उसने बहुत कंट्रोल दिया है। और मेरी फैमिली तो इतना बेहतरीन तरीके से उसने संभाला है ना, उसके लिए प्यार बढ़ता ही जाता है। और हाँ तभी भी उसने मुझे डिसअपॉइंट नहीं दिया किसी भी ओकेजन में, लो कुछ भी में लो। तभी तभी उसका मूड नहीं रहता है, फिर भी मैं जो बोलता हूँ वो करती है, शायद इसी तो प्यार बोलता है। चलो वो सुन ना ले तो हमारा प्यार हमारे तो रहने दो, अगर मैं उसको बता दूंगा ना इतना में प्यार करता हूँ तो शायद सर पे ना बैठ जाए। ये होता है अगर आप किसी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो ना, तो उसे एक लिमिटेड उसे बताओ, उसे जताओ, तो उसे भी पता चले। पर एक लिमिट के बाद आप उसे बढ़ाते जाओ ना तो वो हेडेक भी बन सकता है। तो ये मेरा हेडेक नहीं है, मेरे दिल का टुकड़ा है, ठीक है। तो आज है वैलेंटाइन डे, तो वैलेंटाइन के दिन पे आज मैं कुछ कहना चाहूँगी अपने हस्बैंड के बारे में। हमारी शादी को 6 ईयर कंप्लीट होने ही वाले हैं, मार्च में सिर्फ 1 मंथ बाकी, लेकिन लगता ही नहीं है कि हमारी शादी को 6 साल हो गए। सिर्फ एक ही महीना हुआ ऐसे लगता है, हमारे बीच में इतना प्यार है, भगवान की कृपा से बढ़ता रहे और दुगना चौथा प्यार होता रहे। मेरे हस्बैंड काफ़ी ही सबके हस्बैंड से कुछ अलग है, ऐसा मेरे को महसूस ही नहीं होने देते हैं कि हमारी शादी को बहुत साल हो गए, हमारे बीच में प्यार नहीं रहा। और मेन बात तो मेरे मॉम और डैड की कमी मुझे महसूस ही नहीं होने देते, हमारे बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग है ना कि हम एक दूसरे को अच्छे से अच्छे तरह से हम लोग समझ जाते हैं। और जहाँ पे मुझे सपोर्ट करना चाहिए वहाँ पे हमेशा मुझे सपोर्ट करते ही है, और जहाँ पे मैं गलत हूँ तो वहाँ पे मेरे को हमेशा बोलते हैं, लेकिन जहाँ पे मैं सही हूँ वो हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं और मेरे को पूरा सपोर्ट किया है, और मेरे शौक, मेरी इच्छाएं, मेरे सब पूरे किए उन्होंने। ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ दबाना पड़े या नहीं कर, ऐसे कपड़े नहीं पहन, बाहर मत जा, ये करो कर, किसी भी बात के लिए मुझे आज तक नहीं टोका, आज तक। इसलिए लगता ही नहीं है हमारी शादी को इतने साल हो गए, लेकिन फिर भी हमको ऐसे लगता है कि हम बहुत जन्म से हम लोग साथ में।
एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम पहली बार मिले थे कभी। और कुछ नहीं, बस बहुत ही मुझे एक अच्छे जीवन साथी की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे भगवान ने मुझे बहुत ही बेहतरीन जीवन साथी मेरे को दिया। इसका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे रब का। बस इतना ही कहना चाहूँगी फिलहाल। आपसे फिर बाद में मिलती हूँ। सो तो जितना प्यार हम एक दूसरे से रहते ना, हम उम्मीद करते उतना प्यार आप अपने तप्पल से, अपने साथीदार से भी करते हो, है ना। और जितना प्यार है ना, थोड़ा बढ़ा लो यार, क्योंकि लाइफ बहुत ही बड़ी है और उसे कंप्लीट करने तो एक साथीदार की बहुत ही ज़रूरत होती है। और वो तो एक प्यारा जोड़ीदार हो तो लाइफ आसानी से चल सकती है, बरोबर। ये बोलती है मैं फिल्मी जा रहा हूँ। बहुत ही फिल्मी डायलॉग बना रहा हूँ। ऐसे नहीं लग रहा लव स्टोरी कोई ऐसे पिक्चर चलती है। ठीक है, तो अभी आप बताओ, आप तो हमारा ये वीडियो देखते तो ऐसा लगा कि मैं ज्यादा फिल्मी हो गया हूँ या नहीं? वैलेंटाइन का बनोगा सबने? प्लीज कमेंट में डालो यार, मुझे जानना है मैं ज्यादा फिल्मी तो नहीं हो रहा हूँ, यह ज्यादा प्रवचन दे रहा हूँ। ठीक है, जोक्स तो रखते साइड में और ये वीडियो अभी खत्म करते। और प्लीज बता दो कि मैं फिल्मी हुआ थे नहीं। और जो इससे पहले वाले फुटेज देते ना, उनमें सच्ची में हमने एक दूसरे को रूम से बाहर भेजा, अकेले बैठे और जिसके मन में जो आया दूसरे बंदे के लिए उसने वो बोल दिया। मतलब ऐसे समझो हमने अपनी दिल की बात अपने प्यारे दोस्तों से की है, है ना। चलो आपसे फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तो बोल दे बाय। अभी भी हंसती जा रही है।